नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ इन्फो। दोस्तों इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं कि विभाग ने जारी किया पत्र, छात्रवृत्ति के लिए बच्चों के खाते की जरूरत नहीं है, तो इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा को शुरू करने से पहले रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने जल्द से जल्द बच्चों का पोशाक, छात्रवृत्ति और पुस्तक की राशि उनके खाते में ट्रांसफर करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है। लेकिन आपको बता दें कि सभी बच्चों के खाते नहीं खुल पाने के कारण ये राशि सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, जिससे काफ़ी परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं। विभाग ने पश्चिम चंपारण जिले में पत्र जारी करके दिशा निर्देश सभी स्कूलों को दिया है कि जिला के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को विभिन्न योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, पोशाक, पाठ्यपुस्तक आदि मद में प्राप्त होने वाली राशि उनके खाते में ट्रांसफर करने का निर्देश पहले दिया गया था। अब विभाग ने इसमें आंशिक संशोधन करते हुए पत्र जारी कर आदेश दिया है कि जिन छात्र छात्राओं का स्वयं खाता नहीं खुल पाया है उनके माता पिता के खाते में उनकी राशि को ट्रांसफर कर दिया जाए और उनका नाम भी उनके माता पिता के खाते के साथ जोड़ा जाए। यानी कि बच्चे का खाता हो ये जरूरी नहीं है, उनके माता पिता के भी खाते में उनका पैसा भेजा जा सकता है। ये वो पत्र है जो इस खबर की सत्यता की पुष्टि करता है और जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पत्र का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से इस पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि सबको जानकारी मिल सके इस बात की। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।